अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू कौसम मॉम्स किचन। आज हम आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं, ज़्यादातर मुस्लिम वेडिंग्स और फंक्शनों में ये रेसिपी बनाया जाता है। हम आपके साथ मुतंजन की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। इसे मुतंजन चावल की खीर दोनों नाम से बोला जाता है। ये खीर जो है बहुत क्रीमी और डिलीशियस बनती है। रेसिपी के अंदर जाने से पहले, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करने से आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा। देखिए हमारी खीर जो है कितनी यम्मी लग रही है। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने मुतंजन बनाने के लिए 100 ग्राम बासमती राइस लिया है। इसे हमने अच्छे से वॉश करके आधा घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। पहले हम राइस को बॉईल कर लेंगे। हमने गैस का फ्लेम चालू करके फिर कुकर रख दिया है। हम कुकर में ऐड कर लेंगे 1 स्पून देसी घी। अब हम घी में ऐड करेंगे 5 इलायची, 5 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा। अब हम इसे घी में डाल देंगे। हम इसी के साथ ही हमने सोक करके राइस रखा था, उसे भी ऐड कर लेंगे। चावलों को हम घी के साथ 1 मिनट फ्राई करेंगे। राइस को हमें घी के साथ भूनते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 कप दूध और 1 कप पानी। चावलों को मिला लेंगे दूध के साथ। हम कुकर का ढक्कन बंद करके कुकर में 2 सीटी लगा देंगे। चावल कुक हो गए हैं। इसे हम चम्मच से इस तरह से मैश कर लेंगे। चावलों को हमने अच्छे से मैश कर लिया। अब हम चावलों को साइड में रख लेंगे। हमने गैस का फ्लेम चालू करके उस पर एक पतीली रख दिया है। अब हम इसमें 3 स्पून देसी घी ऐड कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है, हमने 15 काजू का हाफ में कट कर लिया है, 15 बादाम और 15 पिस्ते का हमने इस तरह से लंबे लंबे कट कर लिया है, 25 से 30 किशमिश लिया है, हमने खरबूजे के बीज 2 स्पून लिया है। हम सभी चीज़ों को घी में फ्राई कर लेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हमने 1 लीटर दूध गर्म कर रखा है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब चावलों को इस दूध में डालकर भी गला सकते हो। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा इसी दूध में गलाने, इसलिए हमने चावलों को कुकर में गला लिया है। दूध में उबाल आने लगेगा तो हम चावलों को ऐड कर लेंगे। दूध में उबाल आ गया, अब इसमें चावलों को ऐड कर लेंगे। चावल ऐड करने के बाद और 10 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे, ताकि हमारे चावल जो है दूध के साथ अच्छे से घुल जाए। ये चावल की खीर जो है शादियों में और बहुत सारे फंक्शन में बनाया जाता है। ये खीर जो है बहुत यम्मी बनती है। हम इसमें 1 स्पून ऐड करेंगे रोज वाटर। अब मुतंजन की रेसिपी बनाएंगे तो रोज वाटर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे हमारे मुतंजन में बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 250 ग्राम शुगर। हमने केसर को दूध में भिगो कर रखा है, उसे हम इसमें ऐड कर लेंगे। जो आपके पास केसर है तो आप उसे ऐड कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो येलो फूड कलर पानी में घोल के उसे ऐड कर लीजिएगा। हमने दूध में 1 पिंच येलो फूड कलर भी ऐड किया है दूध में। हम इसमें 150 ग्राम खोया ऐड कर लेंगे। हमने सभी इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। यह हमारा होममेड इंस्टेंट कंडेंस मिल्क है। हमने हमारे चैनल पर इंस्टेंट कंडेंस मिल्क की रेसिपी डाला हुआ है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। हम इसमें 1/2 कप कंडेंस मिल्क ऐड कर लेंगे। कंडेंस मिल्क और खोया ऐड करने के बाद हम चम्मच लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो बॉटम में खीर जो है जलने लगेगी। खीर थोड़ी ठीक होने तक हम इसे पका लेंगे। हमें मीठा थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए हमने और 50 ग्राम शुगर ऐड किया है। आप शुगर को अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। हमारी राइस खीर रेडी हो गई है। हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। आप इस खीर को ठंडा या गर्म सर्व कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं कौसम मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।